उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग को दी गई तालिबानी सजा। मोहब्बत अली चढ़ गए नफरत की भेंट। मुंह काला कर जूतों की माला पहना कर बुजुर्ग को टहलाया। सिद्धार्थ नगर के गोलहौरा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुफलर से हाथ बांध कर रोड पर निकाला जुलूस। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन हिंदी, कदम बढ़ाएं सच के साथ। देखा आपने ये वीडियो? यह शख्स कोई भू माफिया, शराब माफिया, बलात्कारी या अपराधी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में गोलहौरा थाने के तिगरा गांव के रहने वाले 75 साल के बुजुर्ग मोहम्मद अली हैं। इनका मुंह काला करके गले में जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में इनको दबंगों ने पहले घुमाया और जब इस पर भी दबंगों का मन नहीं भरा तो बुजुर्ग मोहम्मद अली को जमीन पर बैठा कर थूक चटाया। घटना पर गोलहौरा थाना प्रभारी अजय नाथ कनौजिया का कहना है कि बुजुर्ग मोहम्मद अली के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक कृत्य पर तत्काल बुजुर्ग मोहम्मद अली की तहरीर पर मुकदमा कर जफर, अमन पांडे, अखिलेश साहनी और घनश्याम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन हिंदी, कदम बढ़ाएं सच के साथ।